वेलकम तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अपने गांव में, क्राप्स की गंदम के फील्ड के अंदर मौजूद हूँ। और जिन जो किसान परेशान है कि उनकी गंदम के पत्ते पीले हो रहे हैं, गंदम पीली हो रही है, कलर उसका चेंज हो रहा है, येलो का फ्लीव हो रहा है, तो वो परेशान है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं, जैसे सल्फर हो गया, बोरान हो गया, निकल हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, फास्फोरस हो गया, DAP मतलब ये डाई अमोनियम फास्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि ये इस्तेमाल करें या वो मैक्रोन्यूट्रंस ढूंढ रहे हैं इसको, मतलब कि इसके पीले कलर को देख कर बहुत परेशान है। वो ये सोच रहे हैं कि इसके मतलब कि फसल दबा भी हो सकती है या इसमें किसकी यील्ड में कमी आ सकती है। इन दोस्तों की मैं परेशानियों को, उन किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसके पत्ते क्यों पीले पड़ रहे हैं, पत्ते पीले क्यों हुए हैं, क्या हमने इसमें कोई मैक्रो न्यूट्रेंट्स इस्तेमाल करना है या नहीं करना। ये देखिए, मैं हूँ भी फील्ड के अंदर ही मौजूद हूँ और आपको बताऊँगा कि मैक्रो न्यूट्रेंट्स हमने इस्तेमाल करने हैं या नहीं करने हैं। जैसे कि मैं आप किसान भाइयों को या आप अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पत्ते मतलब निचले पत्ते थोड़ा से पीले पड़ रहे हैं और ऊपर वाले भी मतलब कि पीला कलर शो कर रहे हैं। इसकी मेन रीज़न यही है कि या तो ये ज़मीन का कलराटापन हो सकता है या पर यहाँ पर पानी एक्सीज मकदार में मिला इसे, ठीक है ना। जैसे भी फास्ट इरीगेशन करते हैं ना, उसके बाद ऐसा होता है ज़मीन के जो होल होता है ना, ये सोयल के होल बंद हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन इनके जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं सकती, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से ये मतलब कि येलविंग, इसके लीव येलविंग हो जाते हैं। तो हमारे किसान भाई परेशान है इसे देख करके, ये हो गया मतलब कि इसे मैक्रो न्यूट्रेंट्स की कमी आ रही है। लिहाजा किसी भी मैक्रो न्यूट्रेंट्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये बार बार किसान भाई तो रिक्वेस्ट है, और जो दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं अपने किसानों को, इसमें कोई भी मैक्रो न्यूट्रेंट्स इस्तेमाल नहीं करना। ये ज़मीन का कलराटा पाना है और ऑक्सीजन मतलब कि ये दब जाते हैं पानी की वजह से, होल बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन मतलब कि जा नहीं सकती, क्योंकि फास्ट एरीगेशन जो होती है ना, हमें वो नॉर्मल करनी होती है। लेकिन बाज़ हम ऐसा करते हैं, पानी ज़मीनों को लगा कर घर जा कर सो जाते हैं, जब बाद में आते हैं तो फुल होता है, उसी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये पत्ते पीले पड़ते हैं, या फिर ज़मीन का कलराटा पानी भी हो सकता है। इसकी कई वजूहत हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम इसमें मैक्रो न्यूट्रेंट्स अप्लाई करें या मैक्रो न्यूट्रेंट्स की कमी हो सकती है। किसी भी मैक्रो न्यूट्रेंट्स की कमी नहीं हो सकती। ये देखें, आपको दिखा रहा हूँ पकड़ कर इसके पीले पत्ते, निचले पत्ते, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कोई मैक्रो न्यूट्रेंट्स इस्तेमाल करने हैं। बस ये किसी फंजीसाइड या पेस्टिसाइड अप्लाई किया, उसके मतलब के ज़्यादा देर असर रहने तक भी उसका असर मतलब कि ज़्यादा देर रहा हो तो उसके साथ भी ये हो सकते हैं पीले पत्ते, ज़मीन का कलराटापन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी। लिहाजा आप लोगों ने, आप किसान भाइयों ने किसी भी मतलब के न्यूट्रेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना। कोई कहता है कि सल्फर कमी हो गया है, कोई कहता है मतलब DAP कम मिला है, कोई कहता है नाइट्रोजन कम मिला है, कोई कहता है बुरान अप्लाई करें, कुछ भी नहीं करना। बस ये खुद ब खुद, ये कुदरत का पन है, ये कुदरती निज़ाम है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।